वर्ष 1887 में गोथिक शैली में बने गेटी थिएटर में शुक्रवार देर सायं स्वर्गीय मनोहर सिंह स्मृति में नाट्य उत्सव का आगाज हो गया। इसमें मुख्य तौर पर 6 नाटकों का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद थे। वहीं भाषा संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे। फिलहाल आयोजित इस कार्यक्रम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से 3 मुख्य नाटकों का मंचन किया जाने वाला है। इस बार कार्यक्रम की खास बात यह भी है कि एनएसडी के निदेशक सुरेश शर्मा स्वयं गेटी आए हैं। गौर हो कि एनएसडी अभिनय को लेकर एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां से अभिनय की शिक्षा ग्रहण करने का सभी कलाकारों का सपना रहता है। एनएसडी से मनोहर सिंह, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और राज बब्बर जैसे कलाकार निकले हैं। विभाग के निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि इसी कड़ी में 15 से 20 नवंबर तक भाषा एवं संस्कृति विभाग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेरा नाम सुरेश शर्मा है, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रभारी निदेशक हूँ और रंगमंडल प्रमुख हूँ। इस समय शिमला में हम अपने 3 नाटकों को लेकर के आए हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के, जिसमें आज है आपका ताजमहल का टेंडर जो कि अजय शुक्ला द्वारा लिखित है, और चित्रंजन त्रिपाठी जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं, उन्होंने इस नाटक को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के साथ निर्देशित किया। ये नाटक व्यंग है और आज की व्यवस्था के ऊपर जो करप्शन है उसको लेकर के बात करता है। और कल जो है हमारा बाइंग नाटक है जो कि महाश्वेता देवी जो कि बहुत ही विख्यात उपन्यासकार रही हैं, कहानीकार रही हैं बंगाल की, उनकी उपन्यास के ऊपर आधारित नाटक है बाइंग, जिसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के ही कलाकारों ने जो है प्रदर्शित किया है। और परसों अंतिम दिन जो है हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का तीसरा नाटक है पहला सत्याग्रही, जो कि गांधी जी के जीवन यात्रा को लेकर के लिखा गया नाटक है, उसको भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के कलाकार। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से दीपिका शर्मा की रिपोर्ट।